Assalamualaikum viewers, welcome to my kitchen, food world with Mehak. आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चिकन रेशा कबाब. चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाफ के जी चिकन, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, 3 अदद हरी मिर्च. चिकन के साथ हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालकर बॉईल करना है. अब हम पैन में चिकन ऐड करेंगे. 1.5 कप वाटर, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हरी मिर्च. अब हमने चिकन को जब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए. चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है. अब हम इसको निकाल कर इसका रेशा कर लेंगे. चिकन का रेशा कर लिया है, अब हम इसका आगे का प्रोसीजर बताते हैं. हाफ के जी आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, बॉईल करने के बाद उसको मैश कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे. हाफ के जी आलू, 1.5 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून पुदीना चॉप करके, 2 हरी मिर्च फाइन चॉप, 2 टेबलस्पून हरा धनिया फाइन चॉप. अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है. अब हम इसे शेप देंगे क्रोकेट की. इस तरह हमने सारे मिक्सचर की शेप दे देनी है. अब हमने क्रोकेट्स की शेप दे दी है, ये बिल्कुल रेडी है. अब अंडा और क्रम्स लगाकर हम इसको फ्राई करेंगे. पहले हम अंडे में कोट करेंगे और फिर अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में. ऑयल हीट कर लिया है, अब फ्राई करेंगे. सिर्फ इसमें गोल्डन कलर आ जाए इतना हमने इसको फ्राई करना है. बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे. चिकन रेशा कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फूड वर्ल्ड विद महक एंड आल्सो लाइक माय फेसबुक पेज फूड वर्ल्ड विद महक. अल्लाह हाफिज़.